सद्गुरु कबीर ने कहा है, खुल खेलो संसार में बांध न सके कोई, घाट जगाती क्या करे जो सिर पोट न होए। संसार में खुल करके खेलो और इस प्रकार से खेलो कि कोई तुम्हें बांध ना सके। यदि अपने सिर पर कोई पोटरी नहीं है, अपने पास कोई सामान है ही नहीं, तो चुंगी लेने वाला क्या करेगा, किस लिए रोकेगा, निश्चिंतता पूर्वक आगे बढ़ जाना होगा। पहली बात सद्गुरु कबीर यह कहते हैं कि संसार में खुल करके खेलो। खुल करके खेलने का अर्थ क्या है? क्या अपने मन में जो आए वह करते जाना? खुलकर खेलने का अर्थ है इस प्रकार से कर्म करना, इस प्रकार से जीवन जीना कि किसी प्रकार का भय अंदर रह न जाए। यहाँ सदगुरु कहते हैं कि तुम्हें कोई बांध न सके। बाहरी रूप से बांधने वाले तो मिल सकते हैं, बाहर से निंदा आलोचना बुराई विरोध करने वाले मिल सकते हैं और मिलते रहे हैं। बुद्ध, महावीर, दयानंद, कबीर, ईसा, मोहम्मद, ऐसा कोई महापुरुष नहीं हुआ है जिसका लोगों ने विरोध न किया हो। ये तो दुनिया का नियम है। जिन लोगों से संसार को जितना ज़्यादा लाभ होता है, जिनके द्वारा समाज की, संसार की जितनी ज़्यादा सेवा होती है, उतना ज़्यादा उसके विरोध करने वाले लोग होते हैं। लेकिन उस सेवा करने वाले लोग सेवा करना छोड़े नहीं, और इसीलिए आज दुनिया में कुछ अच्छाइयाँ दिखाई पड़ती है। अनेक लोग धर्म के पथ पर आज भी चल रहे हैं। तो बाहर से कहने सुनने वाले लोग, बैर विरोध करने वाले लोग, तो मिलते रहे हैं, मिलते रहेंगे। खास बात यह है कि यदि हम जो कुछ कर रहे हैं नीति न्याय विवेक नियम पूर्वक है, तो हमारा मन आश्वस्त रहेगा, निर्भय प्रसन्न रहेगा।
नीति विरुद्ध काम करेंगे, नियम विरुद्ध, न्याय विरुद्ध, सिद्धांत विरुद्ध काम करेंगे, तो चाहे कितने लोग बाहर से सहयोगी मिल जाए, हमारा मन अतृप्त रहेगा, जलता रहेगा, मानसिक अशांति से हम पीड़ित रहेंगे। बंधना क्या है? बंधना बाहर से नहीं होता है, बाहर का बंधन कोई खास बंधन नहीं है। बंधन तो मन का है, और मन के बंधन का अर्थ यही है, चिंतित रहना, भयभीत रहना, अशांत पीड़ित रहना, कहीं भी हम नियम विरुद्ध काम करेंगे तो शांति से प्रसन्नता से जीवन तो नहीं जी सकेंगे। कुछ लोग कह सकते हैं, अरे कौन नियम वाम की परवाह करने वाला, कौन है हमें रोक सकता है। समझते हैं कि हम जैसी हमारी मर्जी है, जैसा हमारा मन कह रहा है, हम उस ढंग से काम करेंगे, हमें किसी की परवाह नहीं है। इतने मानते हैं कि निर्भयता, कितने हैं बदमाश किस्म के लोग जो लोगों को लूटने में, सताने में, परेशान करने में, किसी घर में आग लगा देने में, कुछ करने में, उसे अपनी बहादुरी मानते हैं। और राजनीतिक क्षेत्र में तो देखो, कोई छोटा मोटा पद मिल गया, कोई MLA हो गया, MP हो गया, विधायक सांसद, कोई नेता हो गया, तो मान लेते हैं कि हमें सब कुछ करने की मान लो छूट मिल गई है। अब हम नियम कानून कायदा सबसे ऊपर उठ गए। अब वे तो वो है, कोई विधायक नेता मंत्री है तो उसके परिवार वाले सगे संबंधी में मान लेते हैं कि भाई कोई रोक नहीं सकता, अब हम तो चाहे जो कर सकते हैं, हमारे संबंधी नेता है, हमारे संबंधी मंत्री है, कौन हमारा क्या कर सकता है। लेकिन क्या ऐसे लोग कभी प्रसन्नता से जीवन जी सकते हैं? रात दिन उनका मन उनको रगड़ता रहता है, लेकिन मन जो रगड़ता रहता है रात दिन, उसको परवाह नहीं करते। और अंततो गत्वा ऐसे लोग घोर अशांत और मानसिक क्लेश से तड़पते तड़पते ही शरीर छोड़ते हैं। समाज भले कोई कुछ न कहे, लेकिन प्रकृति तो क्षमा नहीं करेगी। प्रकृति के क्षेत्र में तो सब बराबर है, साधु गृहस्थ, जनता नेता, राजा प्रजा, ये तो हमारी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें हम कह देते हैं कि अमुक प्रजा है, अमुक राजा है, अमुक स्वामी, अमुक सेवक, अमुक साधु, अमुक गृहस्थ, अमुक गुरु, अमुक शिष्य। लेकिन प्रकृति में यहाँ गुरु शिष्य स्वामी सेवक कोई नहीं है, उसके लिए सब बराबर है। वो किसी को क्षमा करना जानती नहीं है, किसी से न डरें, लेकिन अपने कर्म फल से तो डरना है होगा।
उसका उल्लंघन कोई कैसे कर सकता है। सामाजिक नियमों का उल्लंघन कर जाए, राष्ट्र के जो नियम हैं, धर्म के जो नियम हैं, कानून है, उनका उल्लंघन कर जाए, लेकिन कर्म फल का उल्लंघन कौन कर सकता है? उसका तो उल्लंघन कोई बड़ा सा बड़ा चक्रवर्ती सम्राट हो वह भी नहीं कर सकता। जैन परंपरा में अनेक जगह ये बात आती है कि कितने चक्रवर्ती सम्राट आज नरक में सड़ रहे हैं, कीड़े मकोड़े बन करके नालियों में बिलबिला रहे हैं, पद मिला, प्रतिष्ठा मिली, अधिकार मिला, उन्मादी बन गए, जायज नजायज सब कुछ करने लग गए, लेकिन कर्म फल का उल्लंघन तो नहीं कर पाएगा ना कोई। किसी से न डरें, अपने कर्मों के फल से तो डरने की आवश्यकता है, उससे जो डरता रहेगा, जो कुछ मैं कर रहा हूं अंत में उसका परिणाम मुझे क्या भोगना पड़ेगा, ये तो आदमी सोच सकता है, और उसको भी नहीं सोच सकता उससे बड़ा अविवेकी और कौन होगा। खुल करके खेलने का अर्थ मनमाना करना नहीं है, खुल करके खेलने का अर्थ है निश्चिंत निर्भय होकर के सेवा और साधना का काम करना, समर्पित होकर सेवा का काम कर रहे हैं, छोटा काम हो बड़ा काम हो, समय समय से काम बदलता रहता है, कोई ऐसे व्यक्ति थोड़े कि सदैव एक ही जैसा काम करता रहता है, कभी कोई काम करता है, कभी कोई काम करता है, कभी खाली भी बैठा रहता है, कभी बहुत ज़्यादा दौड़ धूप करना पड़ता है, गृहस्थी हो, विरक्ति हो, खेती, नौकरी, व्यापार हो, कुछ भी हो, सेवा का जो भी काम है समर्पित होकर के जो करता है, और उसमें भी प्रतिफल की आशा से रहित निष्काम होकर जो करता है, उसका मन सब समय आश्वस्त रहेगा। समर्पित होकर सेवा करता है और सोचता है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ तो दूसरे लोग मेरे लिए ऐसा करें, वो भी अच्छा है, चलो कोई इसी बहाने सेवा कर रहा है, लेकिन उसका मन पूरा आश्वस्त नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे उसकी कामना वैसा फल नहीं मिलेगा, तब थोड़ा शिकायत से भरा हुआ रहेगा मन, अप्रसन्न असंतुष्ट रहेगा। अब यही बंधना है, मन असंतुष्ट है, अप्रसन्न है, तो यही तो बंधना है, और क्या बंधना है? कहे कि कोई निंदा ना करे, बुराई ना करे, ये नहीं होने वाला है, ये सब जो चलता ही रहेगा। तो समर्पित होकर के साधना है सेवा का काम, और सेवा के काम से जी चुराने वाला व्यक्ति
साधक तो नहीं ही हो सकता है। कितना कोई बड़ा ज्ञानी हो, प्रवक्ता हो, चाहे जो हो, जो अपनी ड्यूटी को, अपने सेवा के काम को समर्पित होकर नहीं कर सकता है, निश्चल होकर नहीं कर सकता, वो साधक नहीं हो सकता। साधना के मूल में सेवा ही है। जो भी काम हो, इसलिए तो कितने तो ऐसे मठ आश्रम है, संस्था है, जहाँ पहले कोई जिज्ञासु आता है तो उसको 2-4 साल तक खूब रगड़ करके सेवा करवाते हैं। क्योंकि सेवा से ही अहंकार गलता है और किसी से नहीं गलेगा। ज्ञान से अहंकार, वैसे ज्ञान में भी अहंकार नहीं है, भक्ति में भी अहंकार नहीं है, वैराग में भी अहंकार नहीं है, ज्ञान जो जैसा है उसको वैसा समझना, सत्यता वास्तविकता सब समय झलकते रहना, ये ज्ञान है। तो इसमें अहंकार कहाँ होगा? सब कुछ एक दिन मिट जाएगा तो अहंकार किसका होगा? भक्ति का अर्थ ये विनम्रता, उसमें अहंकार के लिए गुंजाइश कहाँ है? और वैराग तो सब कुछ का त्याग, और त्याग में वैराग, त्याग में अहंकार कहाँ होगा? लेकिन अहंकार को मिटाने का सर्वोत्तम साधन है सेवा। जो सच्चा सेवक होगा, अब सेवा का क्षेत्र अलग अलग है, कोई जरूरी नहीं है कि जो भोजन बना रहा है वही सेवा कर रहा है, झाड़ू लगा रहा है वही सेवा कर रहा है, अमुक काम कर रहा है वही सेवा कर रहा है, क्षेत्र अलग अलग हो सकता है। लेकिन जिसकी जो भी ड्यूटी है, और जब जैसे जो काम करने का अवसर आया उसको समर्पित होकर के नहीं कर सकता है, आनाकानी करता है, तो उसका मन प्रसन्न रहेगा ही नहीं। अमन प्रसन्न नहीं है तो साधना क्या बनेगी, साधक क्या होगा? वह सेवा से ही साधना फलेगी। सेवा और साधना बस जीवन के ये दो उद्देश्य। कहते हैं कि जीवन क्यों मिला, उत्तर दिया जाता है आत्मनो मोक्षात् जगत धीतायस्य। आत्मा के मोक्ष के लिए, स्वयं के मोक्ष के लिए, मोक्ष का काम करने के लिए और संसार का कल्याण करने के लिए, कल्याण का सेवा है। तो स्वयं का मोक्ष कैसे होगा? साधना से, और कोई रास्ता तो है नहीं साधना के अलावा। और संसार कल्याण कैसे होगा? सेवा से, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो सेवा और साधना, मानव जीवन के दो उद्देश्य, सेवा बाहर के लिए, साधना भीतर के लिए। तो जो निष्काम होकर के सेवा परायण है और मन को अंतर्मुख करके साधना परायण है,
वही खुल करके खेल रहा है। और उसको कोई बांध नहीं सकता है, उसकी मुक्ति गति में कोई बाधक बन नहीं सकता। लेकिन हम भटक जाते हैं, प्रलोभन में पड़ जाते हैं और कई कारण से भटक जाते हैं। सदगुरु कहते हैं भटको मत, खुल करके खेलो, पूर्ण स्वतंत्र हो करके अपनी सेवा साधना का काम करो। अनादिकाल की दुनिया में कोई ऐसा काम बाकी नहीं है जिसे हम अनेक बार न कर चुके हों, क्योंकि अनादि की कोई सीमा नहीं है। छोटे से लेकर के बड़े काम जिसे आप कहते हैं, कोई ऐसा काम बाकी नहीं है जिसे हम अनेक बार न कर चुके हों। हर काम को कई कई बार कर चुके हैं, लेकिन परिणाम वही आज तक का भटकाव। एक ही काम नहीं किया ये है, और किए भी तो आधे अधूरे मन से किए। वो कौन सा काम? साधना का काम। साधना का काम समर्पित होकर के करते हैं तो यहाँ बैठ करके हम लोग आपस में चर्चा ना करते, तब तो फिर मुक्त ही हो गए होते, यहाँ इकट्ठा होने की आवश्यकता कहाँ थी फिर। और साधना करने की स्वतंत्रता आज मिली हुई है, खुलकर खेलने का अर्थ क्या है? प्रसन्न होकर के साधना का काम करना पूरी स्वतंत्रता है। साधना करने के लिए आदमी को कोई प्रतंत्रता नहीं है। गरीबी है, घर नहीं है, कि कम पढ़े लिखे हैं, कि शरीर रोगी है, कि दुबला है, ये सब कोई प्रतंत्रता नहीं है साधना का, मोक्ष का काम करने के लिए। वो तो हम बहाना बना लेते, हमारा मन नहीं कहता है कि हम साधना का काम करें, इसलिए हम तमाम बहाने बनाते रहते हैं कि ऐसा हो गया तो ये कमी है, तो वो कमी है, तो वो कमी है। बाहर की कमी तो बनी ही रहेगी, सर्वांग सुविधा सबको कहाँ मिल सकती है और कहाँ मिली है। एक ने कमी, हमारा मन नहीं हो गया ना, तो कोई ना कोई कमी हम खोज ही लेंगे, बहाना बनाने वाला मन हमारा। राग करने में, द्वेष करने में, प्रपंच करने में, विषय वासनाओं में उलझने में मन बहाना नहीं बनाता है, क्योंकि उसी का अभ्यासी है, उसकी आदत है मन को। इसलिए इनमें तो मन बड़ी प्रसन्नता के साथ लग जाता है। लड़ाई झगड़ा करना हो तो बहाना थोड़े बनाता है मन, बैर विरोध मारपीट करना हो, कहीं मुकदमाबाजी करना हो तो वहाँ बहाना थोड़े बनाता है। और भी तमाम जो दोष हैं, दुर्गुण हैं, विकार हैं, भोग हैं, उन्हें उलझने के से मन बहाना थोड़े बनाता है। उनमें तो बड़ा प्रसन्न और प्रसन्नतापूर्वक अनादिकाल से डूबता चला आ रहा है, उसमें आज भी वही है। लेकिन साधना के लिए कर लिए बहुत बहाना बनाता है, बहुत बहाना बनाता है। मैं कह रहा था कि साधना करने के लिए, कल्याण का काम करने के लिए
आज हमको पूरी स्वतंत्रता मिली हुई है, कहीं कोई प्रतंत्रता नहीं है। यदि प्रतंत्रता है तो हमारे मन की आसक्ति, मुंह आसक्ति नहीं है, कहीं भी किसी के लिए मोह नहीं है तो रुकने वाला कौन होगा। घाट जगाती का करे जो सिर पोट न होए। साहब कहते तुम्हारे पास कोई पोटली ही नहीं है, कोई सामान कोई सौदा ही नहीं है, तो चुंगी लेने वाला तुम्हें रोकेगा क्यों? तुम सौदा लेकर के जा रहे हो बेचने के लिए, तो चुंगी लेने वाला तो तुम्हें रोकेगा, बिना चुंगी लिए आगे जाने नहीं देगा, नाका पर रोक लिए जाओगे। अब खाली हाथ जा रहे हो, कोई बोझा है ही नहीं, तो चुंगी लेने वाला तुम्हें क्यों रोकेगा? ये बोझा क्या है? सौदा, यही वासना आसक्ति मोह। चुंगी लेने वाला कौन है? धर्मराज, वो भी हमारा मन ही है। बाहर कोई ऐसा यमराज नहीं बैठा है दफ्तर खोल करके जो किसी का हिसाब किताब करता। तो नियम है, हमारा मन ही बाधक है, वही यमराज है, वो हमें रोकता रहता है। सारी गठरी वो उतार करके रख दें, बस पूरा काम बन गया। अब की पुरिया जो निर्वारे सोजन सदा आनंदा सदुर कहते हैं, अब के मानव जीवन में जो इस वासना की पुरिया को खोल दें, इसको त्याग कर दें, श्री सदा के लिए आनंद। हम आनंद की खोज तो करते हैं और आनंद की खोज करना गलत नहीं है, लेकिन दिशा गलत है। और उन वस्तुओं में आनंद की खोज करते हैं जिनमें आनंद है ही नहीं, भ्रम है आनंद का। जैसे प्यासे मृग को तपी हुई बालुका में धूप की लहरियों में पानी का भ्रम होता है, प्यास बुझाने के लिए उधर दौड़ता है, आभास है उसको, और अंत में उसे में ही प्यास से व्याकुल होकर दौड़ते दौड़ते पलायन कर देता है। ऐसे ही एक भ्रम है कि बाहर विषयों में आनंद है और हम दौड़ रहे हैं उस आनंद को पाने के लिए, और ये चाहते हैं कि सबसे पहले मैं ही उस आनंद को ले लूं, मुझसे आगे कोई पहुंच ना पाए, इसलिए बड़ी तेजी से दौड़ते हैं। लेकिन रह गए आज तक अतृप्त के अतृप्त। क्योंकि जो जहां है नहीं वहाँ उसकी खोज करेंगे तो मिलेगी कैसे? जहाँ नहीं तहाँ सब कुछ जानी, जहाँ है तहाँ ले पहचानी। जहाँ अपना कुछ नहीं, जहाँ आनंद का लेश भी नहीं है, वहाँ आदमी सारा आनंद मान लिया है। और दुख का यही कारण है, बंधने का भटकने का यही कारण है।
जो चीज़ है ही नहीं उसको पाने के लिए चाहे जितनी शक्ति लगा दें मिलने वाली है नहीं। मिलेगी वही जिसकी सत्ता है, जो है। अब विषय में आनंद है ही नहीं तो उससे आनंद मिलकर मिले कैसे, हम तृप्त हों कैसे। लेकिन उसके लिए पूरी शक्ति हम लगा रहे हैं, समर्पित कर दिए हैं अपने आप को। सही, जहाँ है तहाँ ले पहचाने सदगुरु, जहाँ आनंद है वहाँ पहचाने। और आनंद है कहाँ? आनंद तो अपने आप में है, कि बाहर थोड़े हैं। सदगुरु श्री रामराज साहब ने कहा, आनंद सिंधु अहंता तीता। आनंद का सिंधु कौन? जो अहंता से अतीत हो गया, अहंकार से रहित हो गया है, वो आनंद का सिंधु हो गया। हर जीव आनंद सिंधु है, कोई भी उस आनंद के सागर में निमज्जन कर सकता है। बस शर्त इतनी ही है कि अहंकार से रहित, अहंतातीता, अहंकार से ऊपर उठना होगा। लेकिन अहंकार हमें बहुत प्यारा है, और अहंकार होता है सदैव छूटने वाली वस्तुओं का। मैं शुद्ध बुद्ध चेतन आत्मा हूँ, यह अहंकार किसी को होता है? यह अहंकार करने चीज भी नहीं है। अहंकार सदैव असत्य का होता है, सत्य का अहंकार नहीं होता। आसक्ति असत्य की होती है, सत्य की आसक्ति नहीं होती। तो झूठी वस्तुओं में अहंकार कर करके हम क्लेश के समुद्र में डूब रहे हैं। सदगुरु कहते हैं अहंकार से ऊपर उठ जाओ। सारे अहंकार को बिल्कुल गला करके पानी कर दो, बस आनंद सिंधु हो के। कहीं जाना नहीं, कुछ पकड़ना नहीं, कुछ पाना नहीं है, लेकिन खोज बाहर, जहाँ नहीं है वहाँ पर। कितना खोज लें, कितना खोज लें, कुछ हाथ आएगा नहीं। खोजते खोजते जीवन ही समाप्त तो हो जाएगा। जहाँ है तहाँ ले पहचानी सदगुरु, जहाँ है वहाँ पहचाने। और है कहाँ? अपने आप में। यहाँ कुछ नहीं चाहिए, निष्कामता, वहाँ आनंद है। लेकिन ये बात समझ में भी तो नहीं आती है। लगता है कि उल्टी बात है, समझ में बात आती नहीं है, इसलिए दौड़ते हैं बाहर। तो अहंकार वो गठरी है जो सदैव हमारे सिर पर लदी हुई है, इसलिए धर्मराज वासना हमें बार बार रोक रही है, आगे जाने ही नहीं देती है। फिर लौटा देती, फिर लौटा देती। हम जाना चाहते हैं मुक्ति धाम में, लेकिन अहंकार की गठरी लाद करके। तो वासना दमराज हमें लौटा देती है, कहते तुम वहाँ प्रवेश करने लायक नहीं हो अभी। कुछ भी अपना माने,
बाहर से मानना पड़ता है, बिहार के लिए मानना भी पड़ता है, लेकिन पकड़ है वो पकड़ ही गठरी है। और जितनी पकड़ होगी उतनी आपाधापी होगी, उतने छल छद्म। पकड़ जितनी मजबूत उतना ही अनर्थ। तो आत्मा रोकेगी रोकेगी, धर्मराज रोकेगा रोकेगा। साहब कहते खुल करके खेलो। खुल करके खेलने का अर्थ क्या है? निष्काम होकर के, निर्मोह होकर के, अनासक्त होकर के। और कोई चारा भी तो नहीं है। जब जो काम करना है, समझ लो कि काम मेरे लिए इस समय सबसे महत्वपूर्ण काम है, उस काम को कर ले। काम समाप्त हुआ, चित्त से उतार दे। ये खुल करके खेलना है। काम पूरा हो गया फिर भी चित्त में लिए हुए हैं, किसी ने कह दिया है, प्रशंसा कर दिया है, उस प्रशंसा की याद कर करके मन पुलकित हो रहा है। कहीं गए हैं, वहाँ सम्मान मिला है, स्वागत हुआ है, उसकी याद कर करके मन पुलकित हो रहा है। और चाहना बनी है कि वैसे सम्मान होता, वैसे स्वागत होता, वैसी प्रशंसा होती। दूसरी तरफ किसी ने कुछ कह दिया है, उसकी याद कर करके मन शोकित हो रहा है। तो ये खुल करके खेला नहीं जा रहा है, बंधा हुआ है मन। अब बंधा हुआ मन है तो डंडा खाएगा खाएगा, मार तो पड़ेगी पड़ेगी। सम्मान से अपमान से दोनों से ऊपर उठना होगा, अपने से पराये से सबसे ऊपर उठना होगा। खुल करके खेलने का अर्थ ही यही है कि कहीं अपने मन को न बांधना। लेकिन बांधने के अभ्यासी, आदत गठिल लादने के, अनेक बार सुना होगा आप लोगों ने, वो गुरु जी उदाहरण दिया करते थे कि पहले के ज़माना, आजकल जैसे गाड़ी मोटर का ज़माना तो था नहीं पहले, अब तो बड़ी सुविधा हो गई है। पहले का ज़माना व्यापारी लोग सौदा बेचने जाते थे या खरीदने जाते थे, तो बेचने जाते थे तो सिर पर बोझा लाद करके जाते थे, या कोई कपड़ा पड़ा था कुछ हो तो गठरी बांध लिए और पीठ में बांध लिए, चल दिए, बेचते थे अपना, फिर वहाँ खरीदे, फिर सिर पर लाद लिए या गठरी बांध करके पीठ पर लाद लिए, चल दिए। एक बनिया अपने सौदा का गठरी बांध करके पीठ पर लाद लेते थे और लाद करके अपना गली गली घूम घूम करके या बाजार में जा करके बेचते थे। एक बार उसका पूरा सौदा बिक गया, कुछ नहीं बचा। लौट रहे थे शाम को अपने घर, अब खाली, अब बोझा लेकर चल कर, बोझा लाद कर जाने की आदत, अब खाली लौटने लगे। तो रास्ते से चार पांच ढेला उठा लिए मिट्टी का, 10-15 किलो का, उसे गठरी बांध कर सिर पर अपनी पीठ पर लाद लिए। तो लोगों ने कहा कि ये क्या कर रहे हो, अरे मिट्टी के ढेला बांध रहे हो? कि भैया
पीठ पर गठरी लादने का आदत है, खाली है लगता है उड़ ना जाऊँ कहीं पर, उड़ने का भय इसलिए गठरी बांध दी मिट्टी का ढेला। ऐसे हम लोगों को लगता है ये कुछ ना माने तो कहीं उड़ ना जाए, कहीं हमारा से तो ये समाप्त ना हो जाए, इसलिए कुछ लाद लेते हैं, कुछ पकड़ लेते हैं, कुछ अपने को मान लेते हैं। बस जहाँ कुछ लादे लिए, उड़ने का भय, अरे सब छोड़ देंगे तो क्या बचेगा। एक ओर चाहते हैं कल्याण मोक्ष, और दूसरी तरफ कुछ पकड़ करके रखना चाहते हैं। अब मोक्ष क्या है? सब कुछ छोड़ना, छोड़ना ही तो मोक्ष है, पकड़ना बंधन है। तो मुक्ति भी चाहते हैं और पकड़े रहना चाहते, छोड़ना चाहते नहीं हैं, तो दोनों साथ साथ कैसे होगा? मुक्ति चाहते हैं तो पकड़ना छोड़ दें, और फिर यदि पकड़े रहना चाहते हैं, पीठ पर बोझा लादे रहना चाहते हैं तो मुक्ति छोड़ दें, बोझा कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग खुल कर खेलना जानते नहीं हैं, बंधे भी रहना चाहते हैं। कोई गाय है, गले में रस्सी बंधी है, एक सिरा, दूसरा सिरा खूंटे से बंधी बंधा हुआ है। अब वो रस्सी चाहे जितनी लंबी हो, 100 फीट, 200 फीट, 400 फीट, 600 फीट, यद्यपि इतनी बड़ी रस्सी से गाय को कोई नहीं बांधता, 5-10 फीट की रस्सी होती है, 15-20 फीट की रस्सी हो जाती है कहीं, लेकिन चाहे जितनी लंबी रस्सी से बांध दो, 1 किलोमीटर लंबी रस्सी उसे बांध दो, 1 किलोमीटर तक चारों तरफ गाय घूम रही है लेकिन है तो बंधी हुई, एक सीमा तो है उसकी। वो निस्सीम होकर के सब तरफ तो जा नहीं सकती। कहते हैं कि एक मुसाफिर एक धर्मशाला में पहुंचा, वहाँ के व्यवस्थापक से कहा कि मैं रात रुकना चाहता हूँ, कितना किराया लगेगा? तो व्यवस्थापक ने कहा, रात रुकना चाहते हो बताओ, कहाँ सोना चाहते हो, खाट पर सोना चाहते हो कि जमीन पर सोना चाहते हो? यदि खाट पर सोओगे तब 1 रात का 1 रुपया लगेगा, और जमीन पर सोओगे तो 1 रात का 5 रुपया लगेगा। मुसाफिर ने कहा, तो आप तो उल्टी बात कह रहे हो, अरे जमीन पर तो न बिछौना ना कुछ नहीं, उसकी कीमत कम होना चाहिए, और खाट पर बिछौना भी है उसकी कीमत ज़्यादा होनी चाहिए। तो मालिक व्यवस्थापक ने कहा, देखो खाट पर सोओगे ना तो एक सीमा में सोओगे, और जमीन पर सोओगे पता नहीं लड़ते लड़ते कहाँ तक चले जाओगे। तो जब खाट पर सोए तो आप बंध गए हैं, डर रहेगा, अरे खाट से जरा बाहर कपड़ा बदलूंगा तो गिर पड़ूंगा, तो समेट कर रखना पड़ेगा, और जमीन पर रहो तो लुढ़ते लुढ़ते यहाँ से वहाँ तक चले जाओ, गिरने का डर है ये नहीं है। तो जहाँ कुछ पकड़े कि हाँ ये सुविधा है, अमुक चीज है, इसकी बिना नहीं रहेंगे, बस बांध लिए अपने को, खुल कर कहाँ हो खेल रहे हैं, किसी से भी नहीं जोड़ना है अपने आप। जब जैसी चीज आ सकता है प्रयोग कर लिए, प्रयोग तो करना पड़ेगा, बिना प्रयोग के तो जीवन चलेगा नहीं, लोगों के बीच तो रहना ही पड़ेगा, कहाँ जाएंगे, कहीं चले जाओ, अकेले जीवन निर्वाह नहीं कर सकते, अकेले नहीं रह सकते,
व्यवहार के लिए, परमार्थ के लिए लोगों के संगसाथ की अपेक्षा रहेगी ही रहेगी, आवश्यकता होगी ही होगी। कितना से कोई बड़ा सा बड़ा हो, सब प्रकार से योग्य, बहुत अत्यंत प्रतिभाशाली, लेकिन अकेला जीवन वो भी नहीं जी सकता है। कहीं जाओगे, आदमियों के बीच रहना पड़ेगा, साधु हो, गृहस्थ हो, स्त्री हो, पुरुष हो, उनके साथ उनके बीच रहना पड़ेगा। और कहीं जाओगे, कितना ज्ञान बाहर आगे झाड़ लो, चीज़ों का प्रयोग करना पड़ेगा। खाना चाहिए, मकान चाहिए, कपड़ा चाहिए, अन्य चीज़ें चाहिए, प्रयोग तो करना पड़ेगा, मजबूरी है। लेकिन कहीं बांध लिए अपने को, कहीं राग से बांध लिए हैं, कहीं द्वेष से बांध लिए हैं, मन प्रसन्न नहीं रहेगा, फूल करके नहीं खेल सकते। राग पूर्वक काम करेंगे तो भी गलत होगा, द्वेष पूर्वक काम करेंगे तो भी गलत होगा, फिर गठरी बंधेगी ही बंधेगी, फिर जमराज रोकेगा रोकेगा। कहीं ना बांधें, खुल करके खेलने का अर्थ सीधा है, निष्काम, अनासक्त, निर्भय होकर, ताकि मन बंधे ना, कोई गठरी सिर पर बंधने ना पाए। यही रास्ता है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए उपनिषद के ऋषि ने कहा कि कर्म करते हुए 100 साल जियो, लेकिन कहीं आसक्त न हो, तुम्हारे लिए यही रास्ता है। कबीर साहब ने कहा कि कर्म करे और रहे अकर्मी। एक कर्म करते हुए अकर्मी होना क्या है? खुल करके खेलना है। कर्म करते हुए उन कर्मों में आसक्त हो गए, तमाम फल की चाहनाओं में डूबा है मन, तो गठरी लाद लिए। कर्म करते हुए भी अकर्म की स्थिति, वही है निष्कामता। ये खुलकर खेलना, निष्काम, जो भी निष्काम है उसके सिर पर कोई गठरी नहीं है, इसलिए जमराज उसे रोकेगा नहीं। उसके लिए सर्वत्र सब तरफ खुला रास्ता है। निष्काम आदमी को कौन बांधेगा? जिसे कुछ चाहिए नहीं, जिसके अंदर में त्याग भाव है, उसे कौन बांधेगा? उसे कौन रोक सकता है? सदगुरु कबीर की साखी हर जगह, हम हर समय हम लोगों को याद रखने लायक है, हर समय हमारा मार्गदर्शन करने वाली ही है। खुल खेलो संसार में, बांध न सके कोई, घाट जगाती क्या करे, जो सिर पोट न होए बस।